गुरु रूप साध संगत जीओ, जपजी साहब का महात्म कलगीधर महाराज अज लिखाउण लगे ने। ते कवि संतोख सिंह जी ने सूरज प्रकाश ग्रंथ के अंदर अंकित कर दिता, जो सिखा ने महाराज को बेनती की, महाराज जपजी साहब का महात्म लिखाओ, यदा कितना महात्म है कलयुग दे विच। सिखां दी बेनती प्रवान करके कलगीधर महाराज जपजी साहब का महात्म लिखाउण लगे ने। ते ए सारी बिद साध संगत जी इस तरह बनी है। नंद सिंह जी ने आके दसिया, महाराज एक सिख नूं प्रेत ने फड़ लिया, प्रेत लगा सरां दे विच। महाराज नूं जद दसिया ते सतगुरु सचे पातशाह महाराज कहन लगे, वो सिख जपजी साहब नहीं पढ़ता होगा। जेडे सिख नूं जपजी साहब ने तां प्रतिकंठ हुंदा, जेड़ा सिख रोज़ जपजी साहब का पाठ करता, उदे कोल भूत प्रेत चुड़ेल पिसाच कदी भी नहीं आ सकते, क्योंकि जपजी साहब च इतनी शक्ति ते इतनी पावर है। हुण मैं अर्ज करा, पंडित ब्रिजलाल गुरु घर दे बड़े विद्वान पंडित होया, उस नूं सुपने दे विच ख्याल आया, गुरु नानक साहब ते गुरु अर्जन साहब के दर्शन होए, तो उस नूं ख्याल आया कि गुरु नानक साहब ने उस नूं जपजी साहब के महात्म का श्लोक सुनाया। गुरु अर्जन साहब ने उस नूं श्लोक सुनाया, पंजी अखरां का उस नूं श्लोक सुनाया, तो जपजी साहब का महात्म सुनाया। इतना जद सुपना आया, उस तो पहला सिखां ने बेनती की सी कलगीधर महाराज नूं, महाराज जपजी साहब का महात्म लिखाओ। पर पंडित ब्रिजलाल दे मन दे विच जद श्लोक आया, श्लोक संस्कृत दे विच सी साध संगत, ते कलगीधर महाराज नूं कहन लगा, पातशाह इस दा की भेद है, ये श्लोक मेरे मन दे विच आया राती सुपने च आया, गुरु नानक साहब महाराज ते श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज मेरे सुपने च आए ने, मैनू ये श्लोक दस के गए ने, जितनी मेरी बुद्धि है मैं तुहानू सुना देना, बाकी तुसी अर्थ कर दिओ। ओ श्लोक संस्कृत दे विच सी, महाराज ने अपनी बाणी दे विच संस्कृत भी वरती है, ते गुरु घर दा पंडित सी ते संस्कृत दे विच श्रोमणी सी, ओ कवि सी, बड़ा वड्डा श्रोमणी संस्कृत दे विच सी, ओ विद्वान सी संस्कृत दा। ते गुरु साडे दी खासियत है कि जिहड़ी जबान दे विच किसे नूं गल समझ आवे, गुरु ने उसी भाषा च समझाया। जेकर बगदाद गए ने पीर दस्तगीर नूं, उत्थे जाके उन्हां दी भाषा च समझाया। जेकर मक्के गए ने, उत्थे अरबियां नूं अरब दी भाषा च समझाया। साडे गुरु दी इह खासियत है। ते उह पंडित नूं, पंडित कलगीधर महाराज दे अगे बेनती कर लगा, ब्रिजलाल महाराज हुण जपजी साहब दा महात्म लिखाओ। इस दे जो अर्थ ने, उहने जो संस्कृत च श्लोक लिखिया साध संगत जी, उहदे अर्थ लिखे ने कवि संतोख सिंह जी ने, जपजी साहब दे पाठ करन दे नाल मुक्ति दी प्राप्ति हुंदी है, दुख कटे जांदे ने, सुखां दे विच श्रेष्ठ सुख मिलता है। किसी दे पुत्र ना हुंदा होवे, पुत्रां दे विचों श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुत्र पैदा हुंदा है। किसी दी शादी ना हुंदी होवे, उस नूं श्रेष्ठ बुद्धि वाली बहू मिलती है, जिहड़ी सारे काम कार सांभदी है घर दे। धर्म युद्ध दे विच बड़ा ये मंत्र सहाई है, जद युद्ध दे विच जित प्राप्त करनी होवे ते जपजी साहब दा पाठ करके जावे सूरमा। जे राजनीति दे विच जित चाहीदी है तां वी इस दा बड़ा महात्म है। किसी नूं भूत प्रेत चुड़ेल चमड़े होण, उन्हां नूं लाउण वास्ते भी बड़ा सहाई है, वशी करन दे लई सहाई है, अंत दे वेले सहाई होण वाला ये मंत्र है। इन्हां सारिआं दे विच सत नाम सब तों पहला आउंदा है, सच्चे नाम दा उस परमेसर दा मंत्र है। हुण कलगीधर महाराज नूं पंडित ब्रिजलाल कहन लगा, पातशाह हुण तुसी अर्थ करो, जितनी मेरी बुद्धि ही मैं कर चुका। ते कलगीधर महाराज इन्नी गल सुन के सतगुर जी ने इस तरह उच्चारण किया, महाराज कहिंदे, जपजी साहब नूं श्रेष्ठ मंत्र मन्नो,
सुन कलगी धर उच्चरण नीको जानो परम मंत्र जप जी को। जप जी साहब न परम मंत्र मनो, इस श्रेष्ठ मंत्र मनो, इस मनो कि इस तो उपर कोई मंत्र नहीं। यह मानसी पंची अक्षर, इत्थे कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि पंजी अक्षर कलगीधर महाराज ने श्रेष्ठ मने। पंजी अक्षरां दा पहला महात्म दसन लगे ने, पंजी अक्षर केड़े ने? बांशत दे सिमरन जिन रिद धार, ते जेड़ा भी ये पंजी अक्षरां दा पहला जाप करेगा अक्षरां दा, उस नूं रिद्धियां सिद्धियां की प्राप्ति होवेगी, मुक्ति मिल जाएगी, दुख कटे जाणगे, सुख प्राप्त होणगे। वह धर्म युद्ध दे विच श्रेष्ठ युद्ध सूरमा लड़न वाला वड्डा सूरमा बनेगा, युद्ध दे मैदान दे विच जित प्राप्त होवेगी, राजनीति दे विच जित प्राप्त होवेगी। किसी दे पुत्र नहीं हुंदा, वह पुत्र होवेगा जिहड़ा इन्हां पंजी अक्षरां दा जाप करेगा। वह पंजी अक्षर किहड़े ने? साध संगत जी, पंजी अक्षर ने एक ओंकार तो लैके अकाल मूर्त तक। कलगीधर महाराज कहिंदे इन्हां पंजी अक्षरां दा जिहड़ा भी जाप करेगा एक ओंकार तो लैके अकाल मूर्त तक, एक ओंकार नूं एक अक्षर गिणना है, इत्थों लैके अकाल मूर्त तक जिहड़ा भी इन्हां पंजी अक्षरां दा जाप करेगा उस नूं मुक्ति मिलेगी। दुखां दे विच्चों श्रेष्ठ दुख होवे वह कटिया जाएगा, सुख की प्राप्ति होएगी। किसी के पुत्र नहीं हुंदा, पुत्र होएगा, किसी की शादी नहीं हुंदी, ब्याह नहीं हुंदा, ब्याह हो जाएगा, किसी के कर्म ढिले ने कर्म उहदे सिद्धे हो जाणगे। ते जेकर यही मंत्र वह रोटी खाण वेले अन्न दे उत्ते पड़ेगा तो रिद्धियां सिद्धियां की प्राप्ति होवेगी। यही पंजी अक्षर जेकर वह देवते नूं प्रगट करना चाहेगा, किसी चाहे वरुण देवता प्रगट कर लवे, सूर्य देवता प्रगट कर लवे, चाहे वह हवा देवता वायु देवता प्रगट कर लवे, वह भी देवते प्रगट हो जाएंगे। जेकर देवत्या सिद्ध करना हो, पंजी अक्षर पढ़ लवे, पंजी अक्षर पढ़ लवे। तो जेकर ये पंजी अक्षर ध्यान दे नाल पढ़े, किसी ने वसीकरण किया हो, एक ओंकार तो लैके अकाल मूर्त तक वह वसीकरण खत्म हो जाएगा, छुट जाएगा। फिर ये पंजी अक्षर सवेरे निता प्रति पढ़े, पंजी हज़ार बार पढ़े, पंजी अक्षर पंजी हज़ार बार पढ़े इस नूं, ते सारियां मनोकामना पूरियां होणगियां। जेकर कोई विच अड़चन भी है, अड़चन भी कटी जाएगी। ये बिल्कुल गल सिद्ध करके रख दिती है कलगीधर महाराज ने। ते संगत ने जद इन्नी गल सुनी तो सत बचन करके मनिया, ते असी भी सत बचन करके मनीए। जेड़े ये पंजी अक्षर महाराज ने दसे ने एक ओंकार तो लैके अकाल मूर्त तक, जिथे भी पढ़े जाणगे पंजी अक्षर उस नूं सारियां मनोकामना पूरियां होणगियां, मुक्ति मिलेगी, दुख कटे जाणगे, सुखां दी प्राप्ति होवेगी। ते जेकर किसी ने ग्रह प्रवेश करवाउणा है, भी पंजी अक्षर पढ़ लवे ते पार उतारण हो जाएगा। अजकल जिवें आयल्स कर ले ने नौजवान, नौजवान आयल्स कर, जिवें अजकल नौजवान आयल्स करते ने, बाहर जाण दा शौक है, सानू भी शौक है। तो ये पंजी अक्षरां दा जाप करे, फिर महाराज कहिंदे ब्राह्मण श्रेष्ठ बुद्धि वाला होवे ते पंजी हज़ार वार जाप करे, फिर खत्री होवे ते उस तो दूना जाप करे, जे वैश होवे ते तीन गुणा वध जाप करे, जे शूदर होवे ते चार गुणा वध जाप करे। ते ज्ञानियां ध्यानियां जोगियां लई इह जाप मारे ने आख्या कि भी पंजी पंजी हज़ार बार जाप करे ते ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होवेगी। ये महाराज ने सब तो पहला एक ओंकार तो लैके अकाल मूर्त तक की महिमा दसी, इन्हां पंजी अक्षरां की, सिर्फ पंजी अक्षरां की महिमा दसी है। अगों जिहड़ा जपजी साहब का महात्म शुरू होएगा, ये पंजी अक्षर पंडित ब्रिजलाल दे कहण दे कारण महाराज ने अर्थ किए। जिहड़े ये पंजी अक्षर पंडित ब्रिजलाल दे सुपने च आए, जपजी साहब का सारा ही महात्म आया, पर ये पंजी अक्षर महाराज ने श्रेष्ठ दसे, श्रेष्ठ दसे। जिहड़ा भी इन्हां पंजी अक्षरां दा जाप करेगा एक ओंकार तो लैके अकाल मूर्त तक, उन्हूं सुखां दी प्राप्ति होवेगी, दुख कटे जाणगे, उस नूं जिहड़े भी भूत प्रेत चुड़ैल चंबड़े होणगे सारे भज जाणगे। जेकर पुत्र नहीं हुंदा ते श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुत्र होएगा, जेकर विआह नहीं हुंदा ते
शादी भी ऐसे घर च होएगी जिहड़ा श्रेष्ठ घर होएगा, सूरज वर्गा चमकदा होएगा घर, उहदे घर दे विच उहदी शादी होवेगी। जेकर किसी ने विदेश यात्रा जाना तो पंजी अखर पढ़ लवे तो उहदी विदेश यात्रा सफल हो जाएगी। जेकर तीर्थां ते जाना है, 68 तीर्थां दा भ्रमण करना है, तो इन्हां पंजी अखरां दा जाप करे तो उहदी तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगी। जेकर उसनों रिद्धियां सिद्धियां चाहीदियां, देवते सामने प्रगट चाहिए है, तो इन्हां पंजी अखरां दा जाप करे। हले पंजी अखरां दी बड़ी महिमा दसी है कलगीधर महाराज ने, तो अज पंजी अखरां दी जिहड़ी महिमा दसी है कि पंजी अखरां नूं 25-25 हज़ार बार जाप करे तो फिर कलगीधर पातशाह कहिंदे आ, ते नेता प्रति करे नहीं कि भी अज मन कीता ते मन नहीं लगता। हाँ, जेकर मन नहीं लगता फिर इस नूं जपी जावे, अकाल मूर्त तक जपे। मन नूं टिकाउण दे लई भी इह पंजी अखर श्रेष्ठ ने, इह वी मर्ज़ करदे आ ते इन्हां दा जाप करिए। जिद्दां ही कलगीधर महाराज ने आख्या ते सत बचन करके मन्नीए ते फिर श्रेष्ठ हो सकदी है। ते कल तों जपजी साहिब दी कथा सारी कि पहली पौड़ी महाराज ने कि कादे वास्ते दसी है, तो दूजी पौड़ी कादे वास्ते दसी है कल दे दीवाना दसांगे। अज इत्थे समाप्ति कि भी जपजी साहिब दा महात्म क्यों लिखाया, तो किन्ने बेनती कीती सी ते क्यों लिखाना पिया, तो इतनी बेनती प्रवान करनी है तुहानू दस चुके हैं विस्तार दे नाल। ते क्योंकि अजकल लोकी ज़्यादा नहीं सुनते तां करके कथा भी उन्नी कु करी दी है कि जिन्नी कु समझ पै जावे साडे भी ते तुहाडे भी। ते इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां, भुलां चुकां दी माफ़ी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।